हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन राठौड़ है। फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो यहाँ पर होंडा S125 के चार कलर ऑप्शन खड़े हैं। इसके अलावा एक और कलर ऑप्शन आता है जो कि ग्रे कलर है, और वो यार कोई परचेज भी नहीं करता और मुझे भी पर्सनली इतना नहीं पसंद, तो उसको यहाँ पे खड़ा नहीं किया अपन ने। यहाँ पे जो भी चार टॉप कलर ऑप्शन है वो अपन यहाँ पे खड़े कर रखे हैं। चारों कलर ऑप्शन आपको इस वीडियो में अच्छे से दिखाने वाला हूँ। सबके जो ग्राफिक्स वगैरह है बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, और वीडियो को एंड में आपको बताऊंगा भैया कि कौन सा कलर मेरे को ज़्यादा पसंद है और कौन सा कलर ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। उससे पहले आपको बता दूं, चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो शुरुआत करते हैं पहले कलर ऑप्शन के साथ, जो कि ब्लैक विथ यहाँ पे रेड कॉम्बिनेशन के साथ आता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये काफ़ी कॉमन कलर है, काफ़ी शानदार कलर है। मैंने भी जो बाइक परचेस करी थी ना तो उसी कलर में परचेस करी थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा उस टाइम ब्लू सा आता था, अभी तो ऑल ब्लैक है जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये कलर ऑप्शन काफ़ी अच्छा है और दिखने में काफ़ी शानदार लगता है ये। इसके अलावा ये जो कलर ऑप्शन है ब्लैक विथ नियॉन, ये आपको मार्केट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा और काफ़ी आई कैचिंग है, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक के साथ ये बाइक देखने में लगती है इस कलर ऑप्शन के साथ, यहाँ से आप देख सकते हो। और इनमें अलग सा ही दिख रहा है भैया, ये कलर ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक निकल के आता है इस कलर ऑप्शन के साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट कलर ऑप्शन है वो है भैया रेड कलर, आप यहाँ पे देख सकते हो ये रेड कलर है, और इसको भी काफ़ी लोग परचेस करते हैं, लेकिन ये मार्केट में काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा, मतलब लोग इतना खास परचेस नहीं करते। ज़्यादातर जो बाइक आपको देखने को मिलेगी नियॉन कलर में देखने को मिलेगी, या फिर ब्लैक, ये जो ग्रे इसके साथ रेड कलर के साथ ग्राफिक्स है, ये दोनों कलर ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये वाला थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा कलर ऑप्शन है, काफ़ी मतलब स्पोर्टी लुक आता है इसमें भी। और इसमें एक चीज़ कर दी अब की बार होंडा कंपनी ने, जो ग्राफिक्स वाइट कलर के साथ दिए देख सकते हो, तो इसकी वजह से थोड़ा सा लुक और ज़्यादा अच्छा निकल के आ रहा है इसमें। और रियर साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर भी ये जो स्ट्रिप है दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। लास्ट जो कलर ऑप्शन अपने पास वो है ये अभी ब्लू कलर, और इसमें जो ग्राफिक्स है ना वो देखो आप, वाइट कलर के साथ दिए गए ग्राफिक्स, और ये है ना जो मेट ब्लू है ये देख सकते हो, थोड़ा पास से दिखाता हूँ, मेट ब्लू है ये, दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पर्सनली यार आज के टाइम अगर मैं होंडा की S125 परचेस करता ना तो यही कलर ऑप्शन लेता मैं, क्योंकि इस कलर ऑप्शन के साथ जो बाइक है दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, देख सकते हो आप। यहाँ पे E20 की बेजिंग है भैया, ये इथेनॉल को सपोर्ट करती है बाइक। थोड़ा सा फ्रंट से आपको दिखाता हूँ मैं, तो देख सकते हो इसमें यहाँ पे जो वाइजर है वो ब्लैक कलर के साथ है, और बाकी यहाँ पे ब्लू कलर है, और यहाँ पे थोड़े बहुत ग्राफिक्स भी दिए गए हैं, ये थोड़ा मडगार्ड इस टाइप से। दिखने में जो कलर है ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मेरे को तो यार पर्सनली ये सबसे बेस्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्लैक का, ब्लू का और वाइट का पूरा अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, तो जो बाइक की लुकिंग है काफ़ी अच्छी निकल के आती है। यहाँ पर रियर साइड में ब्लैक है पूरा, और यहाँ पर ग्राफिक्स देखो यार काफ़ी अच्छा लग रहा है, और दिन में तो यार ये जो कलर ऑप्शन है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे टायर साइज देख सकते हो आप, इंक्रीज़ कर दिया गया है, तो स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो गई है बाइक की। तो इन चारों में से जो मेरे हिसाब से बेस्ट कलर ऑप्शन आपके लिए वो यही वाला रहने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा नया कलर है, बाइक दिखने में थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है, और थोड़ा सा आपको फ्रेश लुक, थोड़ा सा स्पोर्ट लुक आपको इस कलर ऑप्शन के साथ मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको यार यही कलर ऑप्शन परचेज करना चाहिए। बाकी ये चारों कलर ऑप्शन हैं, इनमें से आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगता है, आपके पास कौन सा कलर वाली मतलब कौन से कलर की होंडा S125 या फिर कौन से कलर की बाइक आप परचेस करने वाले हो, मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना यार, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहे। और होंडा S125 आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, इंस्टा पे फॉलो कर लो यार, लेटेस्ट अपडेट आपको इंस्टा पे मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।